So see, MSc chemistry, physical chemistry, subject code is a 510. Okay. तो इसका जो भी इंडेक्स से आज इंडेक्स से शुरुआत करेंगे फर्स्ट डे सेकंड सेमेस्टर का. ओके सो सेम एज यूजुअल इंडेक्स दिया है. सेम वी हैव अ 4 क्रेडिट. ओके सी हियर वी हैव अ 4 क्रेडिट, दैट इज द क्रेडिट नंबर 1, क्रेडिट नंबर 2, क्रेडिट नंबर 3 एंड द क्रेडिट नंबर 4. ओके क्रेडिट नंबर 4. ओके तो टोटल ये 4 क्रेडिट है. आउट ऑफ दैट पहला जो क्रेडिट दिया हुआ है वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है. पूरा ही क्रेडिट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का है. थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है ये देखेंगे. देन मैक्सवेल रिलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन. मैक्सवेल जो भी है, मैक्सवेल के रिलेशंस क्या है, उनके एप्लीकेशन क्या है ये चेकआउट करेंगे यूनिट नंबर 2 में. देन डोहम मार्गुलस इक्वेशन एंड इट एप्लीकेशन चेकआउट करेंगे. देन हेनरीज लॉ जो है वो चेकआउट करेंगे. ओके तो ये सब रहेगा हमारे यूनिट नंबर, दैट इज द क्रेडिट नंबर 1 में. यूनिट नंबर 1 ये हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट मतलब चैप्टर बोल सकते हैं सर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 लाइक दैट. इन अ सेकंड क्रेडिट हमें देखना है दैट इज अ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है. देन पार्टीशन फंक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस. देन थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी. देन एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्रोमिक गैसेज. ओके तो ये हमारा सेकंड यूनिट होने वाला है. देन यूनिट नंबर 3 जो है उसमें रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी. देन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसके 3 टाइप्स यहाँ पे दिया है. दैट इज़ द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगा, फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज क्या है. ओके देन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है. तो ये यूनिट में हम लोग पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी. यस देन यूनिट नंबर 4 जो रहेगा वो माइक्रोमोलिक्यूल. देखो वर्ड है माइक्रो मॉलिक्यूल यानी बिग मॉलिक्यूल. ओके देन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मॉलिकुलर वेट, ये एक पॉइंट रहेगा पॉलीमर में से. देन केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या रहता है. देन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग पॉलीमर, थर्मो डायनामिक्स ऑफ अ पॉलीमर सोल्यूशन. ओके तो ये पूरा जो हमारा सोल्यूशन ये यूनिट है इसे हम लोग पॉलीमर बोल सकते हैं कि पॉलीमर केमिस्ट्री का ये पार्ट है. ओके तो एक पूरा पॉलीमर के ऊपर यूनिट है, सॉरी क्रेडिट है पूरा. एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर पूरा क्रेडिट दिया हुआ है. यस एंड जो पहला वाला क्रेडिट है वो डायरेक्टली थर्मोडायनामिक्स उसे बोल सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स. यस सेकंड वाला भी थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2 बोल सकते हैं. यस पार्ट सेकंड इसे पार्ट फर्स्ट बोल सकते हैं. तो ये एंटायर सिलेबस हमें देखना है सेमिस्टर 2 में. ओके यस आज से हमारा फिजिकल केमिस्ट्री शुरू हो रहा है. एक दो दिन में अपने जो बाकी के लेक्चर है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वो लेक्चर भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे. ओके तो अभी राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फिजिकल केमिस्ट्री एंड यूनिट नंबर 1 दैट इज अ थर्मोडायनामिक्स. यस तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बुक के बारे में. यस क्रेडिट नंबर 1 और ये है अपना थर्मोडायनामिक्स. ओके सबसे पहले बताओ जो भी प्रेजेंटेशन चालू है सबको दिख रहा है प्रॉपरली. यस आवाज प्रॉपरली आ रही है. यस तो हम लोग शुरुआत करते हैं. यस तो थर्मोडायनामिक्स हम लोग बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं 11th 12th स्टैंडर्ड से. जो भी स्कूल कॉलेजेस में हम गए थे दैट इज़ अ फॉर्म जूनियर कॉलेज लेवल, वी आर गोइंग टू सी दी थर्मोडायनामिक्स, स्टडी दी थर्मोडायनामिक्स. ओके सो हियर सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर देयर फॉर दिस यूनिट. सो फर्स्ट वन अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म एसोसिएट विद द थर्मोडायनामिक्स. ओके बेसिक टर्म क्या है उसे देखना है. देन नो द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है उसे समझना है. देन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है उसे देखना है. देन अंडरस्टैंड द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन. फेज जो ट्रांजिशन हो रहा है दैट मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर हो रहा है. यस या फिर रिवर्स वर्सा. ओके तो जो भी एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो क्या है ये देखना है. यस देन उसके बाद देन कैलकुलेट द एंट्रोपीज ड्यूरिंग द वेरियस फेज ट्रांजिशन. ओके वेरियस फेज ट्रांजिशन में क्या हो रहा है एंट्रोपी चेंज ये देखना है, कैलकुलेट करना है इसे. देन यूज थर्मोडायनामिक साइकिल टू कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी. थर्मोडायनामिक साइकिल ये उसे यूज करेंगे टू कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी. ओके तो ये पूरा जो है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस फर्स्ट यूनिट का, दैट इज द थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट यूनिट लर्निंग ऑब्जेक्टिव. ओके सो हियर सम इंट्रोडक्शन पार्ट्स आर गिवन हियर. तो सिंपली थर्मोडायनामिक्स क्या है हमें सब कुछ पता है. ओके सो बोल सकते कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडीज द फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ सिस्टम. ओके तो यहाँ पे बहुत ही
बेसिक जो कंसेप्ट है इसका वो है सिस्टम टर्म, बेसिक टर्म जो इसमें सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम है, देन सिस्टम के बाद है सराउंडिंग है, सराउंडिंग या सराउंडिंग के बाद बाउंड्रीज है, ओके सिस्टम में भी अलग अलग टाइप के सिस्टम है, ये सब हमें देखना है, ओके तो यहाँ पे दिया है थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ सिस्टम। यस, इनसाइड या फिर आउटसाइड ऑफ अ सिस्टम में ये जो है जा रहा है, जो भी चेंज है वो देखने को मिल रहा है। इट्स अंडरगो द फिजिकल और अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ये अंडरगोज जा रहा है, ओके। देन थर्मोडायनामिक इज द साइंस ऑफ द हीट एंड द टेम्परेचर, ओके थर्मोडायनामिक क्या है, इट इज द साइंस ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इन अ पर्टिकुलर ऑफ द लॉज गवर्निंग द कन्वर्सन ऑफ अ थर्मल एनर्जी इंटू द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके क्या करेगी इसे, तो एक लॉ है जो क्या करता है, इट कैन बी चेंज दिस थर्मल एनर्जी, ओके थर्मल एनर्जी उसे चेंज करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कर सकता है, इलेक्ट्रिकल में कर सकता है और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके कौन से फॉर्म में वो एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है। इट इज़ अ सेंट्रल ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट हैज़ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन अ केमिस्ट्री, ओके फिजिक्स में भी यूज़ होता है, बायोलॉजी में भी यूज़ होता है, यस एंड बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग में। थर्मोडायनामिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक साइंस, ओके यस ये दो वर्ड हमेशा याद रखना है। यस यहाँ पे देखो वर्ड है MACRO, इसे हम लोग कहेंगे माइक्रो बड़ा वाला, और एक रहता है MICRO, ये रहता है माइक्रो छोटा वाला, ओके तो MI रहेगा जिधर माइक्रो बोल सकते हैं, MA रह सकता है रहेगा उधर हम लोग बड़े वाले जो ऑब्जेक्ट है वो बोल सकते हैं, दैट इज अ माइक्रो, ओके सो हियर थर्मोडायनामिक इज अ माइक्रोस्कोपिक साइंस, ओके दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्मोडायनामिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम विच हैव अ माइक्रो साइज, ओके माइक्रो साइज मीन्स बिगर साइज, ओके दैट मीन्स वी कैन सी इजिली फ्रॉम आवर आइज, ओके सो इट्स कॉल्ड एज अ माइक्रोस्कोपिक साइंस, ओके कंसर्टिंग सच अ प्रॉपर्टीज एज अ प्रेशर है, उसका टेम्परेचर है एंड अ वॉल्यूम, ओके अनलाइक द क्वांटम मैकेनिक्स थर्मोडायनामिक इज नॉट बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक मॉलिकुलर मॉडल एंड देयर फॉर इट इज अनअफेक्टेड बाय आवर चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ एटम एंड अ मॉलिकुल, ओके तो एटम और मॉलिकुल का जो भी चेंजिंग कंसेप्ट है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। इनडीड द मेजर फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स वेयर लेड लॉन्ग बिफोर द डिटेल एटोमिक थेरीज बिकम अवेलेबल, दिस फैक्ट इज अ वन ऑफ इट्स मेजर स्ट्रेंथ, ओके तो ये पूरा दिया हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में। यही पे जो नेक्स्ट अपना पॉइंट दिया है दैट इज द रिविजन ऑफ अ बेसिक कंसेप्ट, उससे पहले देखते हैं इन द स्टडी एंड इवोल्यूशन ऑफ अ फ्लो ऑफ एनर्जीज इन इन टू और आउट ऑफ द सिस्टम, ओके और इन द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम, ओके सिस्टम के अंदर जा रहा है जो सिस्टम है हमारा, ओके दो पॉसिबिलिटीज रह सकते, वेदर द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम दिस सराउंडिंग टू दिस सिस्टम और ये सिस्टम से एनर्जी जो है बाहर जा रहा है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ओके तो इसको हम लोग को क्या देखना है कि कौन से कंडीशन में सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है और कौन से कंडीशन में सिस्टम का एनर्जी घट रहा है, ओके देन दिस प्रॉपर्टीज इंक्लूड टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सिस्टम, ये कुछ भी हो सकता है, उसका टेम्परेचर भी रह सकता है, प्रेशर रह सकता है, वॉल्यूम रह सकता है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिस्टम भी हो सकता है। मेजरिंग द चेंजेस इन दिस प्रॉपर्टीज फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट कैन प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन कंसर्टिंग चेंजेस इन द एनर्जी एंड द रिलेटेड क्वांटिटीज सच एज हीट एंड वर्क, ओके द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक इज बेस्ड ऑन द थ्री ब्रॉड जनरलाइजेशन डेरिवेशन फ्रॉम अ वेल इस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, दिस जनरलाइजेशन इज नोन एज द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके दैट मीन्स वी हैव टू केयरफुली स्टडी द फर्स्ट दैट इज द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके जो भी थर्मोडायनामिक्स के लॉज है उसे केयरफुली हमें क्या करना है स्टडी करना है, यस थर्मोडायनामिक्स की जो भी लॉ है उसे केयरफुली स्टडी करना है, ओके तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द रिविजन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब हमें पता है, यस 11, 12 में ही हम लोगों ने इसे क्लियरली किया हुआ है, यस तो इसे फटाफट समझ लेते क्या है, तो सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, क्या एक यूनिवर्स का पार्ट है विच इज़ अंडर द थर्मोडायनामिक्स, ओके विच इज़ अंडर स्टडी ऑफ अ थर्मोडायनामिक्स, जिसके ऊपर हम लोग थर्मोडायनामिक का स्टडी कर रहे हैं द इट्स कॉल्ड एज अ यूनिवर्स, सॉरी इट इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टम, ओके एक्चुअली सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स, एक यूनिवर्स का छोटा सा पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ओके स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्सल बाय अ रियल और इमेजिनरी सरफेस विच इज़ कॉल्ड बाउंड्री, ओके मतलब समझ लो अभी ये जो बाउंड्री मैंने निकाला, ओके सी एस इज अ सिस्टम
ओके और जो भी व्हाइट वाला स्पेस अराउंड दिख रहा है वो हो गया अपना सराउंडिंग ओके और सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट इज व्हाइट जो भी जगह दिख रही है वो और सिस्टम जो हमने लिखा है सिस्टम यस और जो जो बाउंड्री जो उसके अराउंड सराउंड दिया हुआ वो तो इट इज़ ऑल कंटेन द यूनिवर्स ओके ये यूनिवर्स में है पूरा ही यूनिवर्स में ओके दिस आर ऑल इज इन अ यूनिवर्स ओके वी कैन से हियर दिस ऑल थिंग्स आर इज इन द यूनिवर्स ओके सो हियर वी हैव अ टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज अ सम सिस्टम्स आर द ओपन सिस्टम सम सिस्टम आर द क्लोज सिस्टम ओके सी सिंपली इन अ ओपन सिस्टम वी कैन इजीली से दैट द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड द एनर्जी विद द सराउंडिंग ओके इफ वी आर कंसिडरिंग दिस इज अ एस इज अ ओपन सिस्टम सो इट कैन बी इजीली एक्सचेंज मैटर एंड द एनर्जी सी हियर वी कैन राइट मैटर फॉर एम ई फॉर एनर्जी ओके विच कैन इजीली एक्सचेंज मी दैट इज अ मैटर एंड एनर्जी टू सिस्टम टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज अ ओपन सिस्टम ओके तो इसे हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम। ये ओपन सिस्टम में क्या होगा जो भी सिस्टम है जो सिस्टम से मैटर जो है एग्जाम्पल लेंगे इसका टी का एग्जाम्पल लेंगे ओके टी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यस जो कप में रखा हुआ टी है ये वाला कप है और इसमें टी है ओके इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ और उस टी को हम लोग क्या कर सकते हैं पी सकते हैं ओके तो पॉसिबिलिटी क्या है ये टी भी हमारे मुंह में जा रही है प्लस हीट जो भी है एनर्जी वो एनर्जी भी हमारे मुंह में जा रही है ऐसा नहीं हो रहा है कि खाली एनर्जी ही हमारे मुंह में जा रही है और जो टी है वैसे की वैसे ही है या फिर खाली टी ही हमारे मुंह में जा रही है और जो एनर्जी है रिमेनिंग एज इट इज ऐसा नहीं हो रहा है तो एनर्जी प्लस मैटर दैट इज द एम ई दोनों एक्सचेंज हो रहा है ओके सो वी कॉल दिस टाइप ऑफ सिस्टम एज अ ओपन सिस्टम तो इसे हम लोग क्या कहेंगे ओपन सिस्टम कहेंगे ओके सेम वे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम तो द क्लोज सिस्टम इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ ओनली ई ओके यस दैट मीन्स एनर्जी सिर्फ एक्सचेंज होगा और जो एम है दैट इज अ मैटर मैटर एक्सचेंज नहीं होगा ओके सो इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम वी कॉल्ड एम एज अ क्लोज सिस्टम क्या कहेंगे इसे हम लोग क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं क्लोज सिस्टम ओके तो सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि सिंपल अ कप ऑफ टी इज देयर ओके अ कप ऑफ टी इज देयर एंड टी इज इन अ कप हॉट टी इज इन अ कप ओके एंड विच आर कवर्ड विद दिस सॉसर यस सॉसर के साथ इसे हमने कवर किया है यस तो क्या होगा आफ्टर फ्यू टाइम वी लॉस द एनर्जी एनर्जी जो है उसका लॉस हो जाएगा लेकिन मैटर जो है मैटर मैटर रिमेन सेम यस मतलब क्या होगा देखो जो भी टी की क्वांटिटी है दैट इज ए चाय की जो भी क्वांटिटी है वो उतनी की उतनी ही रहेगी ऐसा नहीं होगा कि चाय की क्वांटिटी बढ़ गई वॉल्यूम चाय का बढ़ गया कम हो गया यस बट चाय का जो टेम्परेचर वो डेफिनेटली कम हो जाएगा ओके दैट मीन्स सिस्टम इन विच द मैटर आर रिमेन कॉन्स्टेंट बट एनर्जी इज गोइंग टू बी लूज और एनर्जी कैन बी गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम अ सिस्टम टू द सराउंडिंग दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ ओपन सॉरी क्लोज सिस्टम ओके तो इसे हम लोग क्या कहेंगे क्लोज सिस्टम ओके ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है एम ई एक्सचेंज हो रहा है दैट इज मैटर एंड एनर्जी बोथ आर गोइंग टू बी एक्सचेंज विद सिस्टम एंड सराउंडिंग ओके बट वेन वी आर गोइंग टू टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज सिस्टम देन ओनली एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड ओके एंड मैटर रिमेन एज इट इज ओके सो वी कैन से दैट द एनर्जी इज रिमेन सॉरी द मैटर इज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड एनर्जी इज गोइंग टू बी एक्सचेंज एंड दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टम तो इसे क्या कहेंगे क्लोज सिस्टम कहेंगे ओके तो अभी तीसरा भी सिस्टम रहता है ओपन सिस्टम हो गया क्लोज सिस्टम हो गया देन वी हैव अ आइसोलेटेड सिस्टम ओके तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है द आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच नाइदर मैटर एक्सचेंज विथ सिस्टम एंड सराउंडिंग नाइदर एनर्जी इज गोइंग टू बी एक्सचेंज विथ सिस्टम एंड सराउंडिंग मतलब ये दोनों जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं ओके देर इज अ नॉट पॉसिबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी फ्रॉम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग सिस्टम ऑन सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है एज वेल एज मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम ओके तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं थर्मास जो थर्मास फ्लास्क है उसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो फ्लास्क है विच आर एज अ आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहेंगे इसे आइसोलेटेड सिस्टम ओके इसमें क्या हो रहा है मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग के साथ तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है ओके तो यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है देखो आइसोलेटेड सिस्टम कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग फॉर एग्जाम्पल इफ सम वाटर इज अ प्लेस इज इंसुलेटेड एज वेल एज क्लोज मेटालिक वेसल देन नो एक्सचेंज ऑफ मैटर नो एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग कैन टेक प्लेस
एग्जाम्पल क्लोज थर्मस बॉटल इज एसेंशियली एज अ आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, तो इस डायग्राम में पूरा दिया हुआ है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, पूरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कौन सा सिस्टम ओपन सिस्टम है, कौन सा क्लोज सिस्टम है और कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम है. ओके, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम, दैट इज द ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. इन अ ओपन सिस्टम मैटर एज वेल एज एनर्जी इज गोइंग टू बी एक्सचेंज विद सिस्टम एंड सराउंडिंग. इन अ क्लोज सिस्टम ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड मैटर रिमेन एज इट इज. एंड इन आइसोलेटेड सिस्टम बोथ दैट इज अ मैटर एज वेल एज एनर्जी इज नॉट गोइंग टू बी एक्सचेंज विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे सिस्टम, सिस्टम क्या है और उसके टाइप क्या है. ओके, तो ये अपना पहला पॉइंट जो था यहाँ पे, दैट इज अ सिस्टम, तो ये कवर हो चुका है. सेकंड पॉइंट देखते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम. ओके, स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है इसे समझ लेते हैं. स्टेट ऑफ द सिस्टम, इफ द स्टेट वेरिएबल सच एज अ वेरिएबल, सी वेरिएबल मीन्स प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया एंड टेम्परेचर हो गया. ओके, PVT एंड आर द हैविंग अ डेफिनाइट वैल्यू देन अ सिस्टम इज सेड टू बी अ पर्टिकुलर स्टेट. ओके, मतलब PVT प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक डेफिनाइट वैल्यूज रहेगी, देन वी कैन से दैट अ पर्टिकुलर सिस्टम इज इन अ स्टेट. क्या है एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है हमारा वो स्टेट में है. यस, अ थर्मोडायनामिक स्टेट इज अ सेट ऑफ अ वैल्यूज ऑफ अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड टू रिप्रोड्यूस द सिस्टम. द इंडिविजुअल पैरामीटर आर नोन एज द स्टेट वेरिएबल. ओके, इंडिविजुअल पैरामीटर जो है इसे हम लोग कह सकते हैं स्टेट वेरिएबल से. स्टेट पैरामीटर ऑफ अ थर्मोडायनामिक वेरिएबल, वंस अ सफिशियंट सेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक वेरिएबल हैव बीन स्पेसिफाइड, वैल्यूज ऑफ ऑल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम आर अनइक्वली डिटरमाइंड. क्या कहा गया है देखो, वंस अ सफिशियंट सेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक वेरिएबल हैव बीन स्पेसिफाइड, वैल्यूज ऑफ ऑल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम वोली डिटरमाइन. ओके, तो हम लोग इसे डिटरमाइन कर सकते हैं. द नंबर ऑफ वैल्यूज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट डिपेंड ऑन द सिस्टम. ओके, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा द नंबर ऑफ वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इसे डिपेंड ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहेगा. एंड इट नॉट ऑलवेज नो. ओके, और वो हमेशा पता नहीं रहती. यस, तो ये हो गया स्टेट ऑफ अ सिस्टम. स्टेट वेरिएबल क्या रह सकते हैं, तो उसका टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके, वंस टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम क्या दिख रहा है, दैट इज द फर्स्ट में रहेगा P1 फॉर इनिशियल स्टेट, वी कैन टेक प्रेशर P1 इनिशियल में रहेगी तो P1 बोलेंगे, V1 बोलेंगे एंड T1 बोलेंगे. ओके, और फाइनल में रहेगी तो बोलेंगे P2, V2 एंड T2. ओके, यस, प्रेशर जो P1 है इनिशियल लेवल पे, फाइनल लेवल पे चेंज हो गया तो उसके P2 कहेंगे, या फिर कॉन्स्टेंट रहा फिर भी if the constant then we can say P. okay, and if the volume is going to be constant then we can say V. if the temperature is going to be constant then we can say T. okay, if यहाँ पे दिया हुआ है प्रेशर P1 P2 चेंज हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर में चेंज हुआ है. ओके, इफ द प्रेशर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, यस, ये जो तीन पैरामीटर है ना, ये तीन पैरामीटर में से एक कौन सा तो भी कॉन्स्टेंट रहेगा एंड टू आर द मूवेबल. ओके, सपोज वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इज अ रिमेन कॉन्स्टेंट. ओके, सो वी कैन से हियर P1 वैल्यू इज अल्सो P एंड P2 वैल्यू इज अल्सो P एंड द प्रेशर इज सेड टू बी आइसोबारिक प्रेशर. ओके, द प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोबारिक प्रोसेस. सेम वॉल्यूम को V1 V2 बोलेंगे, वॉल्यूम यदि कॉन्स्टेंट रहा सो वी कैन से आइसोकोरिक प्रोसेस. यस, एंड इफ द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट देन आइसो क्या बोलेगे इसे, वी कैन कॉल देम एज आइसो थर्मल प्रोसेस. ओके, सो वी कैन कॉल देम एज अ आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, नॉर्मली कौन से भी केमिकल रिएक्शन जी हो रही है तो वो होते समय एक तो इसका प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा या फिर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा. एनी टू पैरामीटर कैन बी वेरिएबल एंड एनी वन पैरामीटर कैन बी टेक एज अ कॉन्स्टेंट. ओके, एनी वन को हम लोग कॉन्स्टेंट ले सकते हैं और बाकी दो पैरामीटर है उसे हम लोग वेरिएबल रख सकते हैं. ओके, सी स्टेट वेरिएबल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सी थर्मोडायनामिक वेरिएबल डिस्क्राइब द मोमेंटरी कंडीशन ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम.
रिगार्डलेस ऑफ द पाथ बाय विच द सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर। ओके, यहाँ पे देखो पाथ भी दिया गया है, पाथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, सो दैट इज द सिक्वेंस ऑफ अ इंटरमीडिएट स्टेट, द टोटल चेंजेस इन एनी स्टेट वेरिएबल विल बी द सेम। दिस मीन दैट इंक्रीमेंट चेंजेस इन सच अ वेरिएबल आर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेट वेरिएबल इंक्लूडिंग कौन सा दिया है, देखो स्टेट वेरिएबल डेंसिटी, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी दैट इज अ मास अपॉन वॉल्यूम, इसे हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। ओके, एनर्जी, देन हेमोर्स फ्री एनर्जी विच कैन बी शो बाय लेटर ए, गिब्स फ्री एनर्जी विच कैन बी शो बाय लेटर कैपिटल जी, एंथैल्पी विच कैन बी शो बाय द कैपिटल लेटर एच। ओके, विच कैन बी शो बाय द कैपिटल लेटर एच, दिस आर टेक एज अ स्टेट वेरिएबल। ओके, देन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो गिवन, दैट इज अ यू, मास इज ऑल्सो गिवन स्मॉल एम, एनर्जी, प्रेशर इज ऑल्सो गिवन पी, एंट्रोपी यस, टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम वी। ओके, सो दिस आर ऑल द वेरिएबल विच आर गोइंग टू बी चेंज। दैट मीन्स इफ वी आर टेकिंग द इंटरनल एनर्जी, तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू वन है, तो इसका कन्वर्जन होगा फाइनल इंटरनल एनर्जी यू टू। ओके, यस, यहाँ पे प्रेशर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आगे हमने देखा है पी वन पी टू इफ द कॉन्स्टेंट देन पी, यस, एंट्रोपी एस, एस वन रहेगा इनिशियल और फाइनल जो रहेगा एस टू। ओके, यस, और जो यदि कॉन्स्टेंट रहेगा सो वी कैन से डैट एस। ओके, वी हैव सम एग्जाम्पल दैट इज आइसो एंथैल्पिक प्रोसेसेस। ओके, एंथैल्पी भी रहती है अपनी, एंथैल्पी दिया हुआ है, देखो एच एल आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, एंट्रोपी दिया है, एंट्रोपी मीन्स द डिसऑर्डर। ओके, और रैंडमनेस हम लोग बोल सकते हैं, यस। सो दीज आर ऑल द वेरिएबल हियर, दैट इज अ डेंसिटी, एनर्जी, हेलमोट्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, मास, एनर्जी, प्रेशर, एंट्रोपी, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दीज आर द वेरिएबल। क्या है ये सब वेरिएबल, मतलब ये बदल सकते हैं वी वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये बदल सकते हैं। ओके, देन आगे का जो पॉइंट है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। यस, मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपरली, गिव द रिप्लाई। ओके, यस, सब लोग जो अभी हम लोग देख रहे हो पूरा बेसिक है। ओके, तो बेसिक के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जो भी आगे जो भी डिफिकल्ट पॉइंट रहेंगे उसे हम लोग और डिटेल में जाके समझेंगे। ओके, सब ये बेसिक है तो इसको गो थ्रू जाते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम क्या है, द कैरेक्टर बाय विच द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इट डिस्क्राइब आर कॉल्ड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज बताया गया है द कैरेक्टर बाय विच द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इट डिस्क्राइब आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज, उसे कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सम एग्जाम्पल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक आर द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंडसेट्रा एंड आर कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, और इन सबको हम लोग करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। द सिस्टम प्रॉपर्टीज आर ऑफ अ टू टाइप, कौन सा है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दैट इज एक्सटेंसिव एंड इनटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे दिया है देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम दैट डिपेंड ऑन अ मास और अ क्वांटिटी ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहा गया है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम दैट डिपेंड ऑन मास और क्वांटिटी ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसे कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, सीयर, मास और क्वांटिटी ऑफ अ सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, या फिर मास के ऊपर डिपेंड रहेगा या फिर क्वांटिटी। ओके, मास या फिर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा द सिस्टम और द प्रॉपर्टीज विच कॉल्ड एज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसे हम लोग कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, इसे कहेंगे हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, यहाँ पे दिया है देखो सम एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड सेट्रा। ओके, और एक बात है, द प्रॉपर्टीज, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द एडिटिव इन नेचर, additive in nature. Okay, what is mean by that additive in nature, suppose we are considering mass here. Okay, we are considering mass, mass consider karenge. Okay, to mass consider karte samay suppose one thing is there a, okay, usme hum log b add kiya to ye dono ka weight jo hai badh jayega. Okay, same way is
वी आर एडिंग सी, देन इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीजेड. ओके, दैट मीन्स हम लोग ऐड करने के बाद एडिटिव वो प्लस प्लस हो जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम. ओके, तो इसमें क्या क्या आता है, देखो मास आता है, वॉल्यूम भी आएगा, एंथैल्पी आएगी, देन इंटरनल एनर्जी आएंगी, देन एंट्रोपी भी आएगी. ओके, दिज आर ऑल थिंग्स विच आर कम अंडर दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ओके, दिज आर ऑल थिंग्स विच आर कम अंडर दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट वन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपरली? यस, गिव द रिप्लाई. ओके, यस, प्लीज वेट फॉर अ 5 मिनट, द फायर वर्क्स आर गोइंग टू बी आउटसाइड माय होम. ओके, सो प्लीज वेट फॉर अ 5 to 6 मिनट्स. ओके, यस, ओके, यस, कंटिन्यू करते हैं. देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दिज आर द प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास. ओके, मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं है, दैट इज सी, द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ द सिस्टम. ओके, दैट मीन्स क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंडसेट्रा. ओके, सो दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड विच आर द नॉन एडिटिव. वो क्या है, नॉन एडिटिव है, क्या है, विच आर द नॉन एडिटिव. फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, ओके, अभी गर्मी चल रही है, यस, सो इफ यू आर टेकिंग अ वाटर, वाटर हमने लिया, वाटर का टेम्परेचर अभी फिलहाल ये मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर है, यस, एंड वी आर एडिंग सम कोल्ड वाटर इन टू इट, यस, एंड इस टेम्परेचर इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस. ओके, यस, एडिटिव मीन्स, एडिटिव मीन्स दिस आर गोइंग टू बी इंक्रीजेस. ओके, एंड नॉन एडिटिव मीन्स इट इज डिपेंड ऑन दैट कंडीशन. ओके, इफ यू एड कोल्ड वाटर, सपोज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस इन टू द 50 डिग्री सेल्सियस, देन द टेम्परेचर ऑफ एंटायर वाटर इज गोइंग टू बी एवरेजिंग. ओके, एवरेजिंग हो जाएगा ये. ओके, ऐड नहीं होगा, दैट मीन्स देखो ऐसा नहीं होगा कि 20 डिग्री सेल्सियस वाटर में हमने 35 डिग्री सेल्सियस वाटर डाल दिया तो उसका हो गया 55, ऐसा नहीं होने वाला है. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस. ओके, तो ये एडिटिव नहीं रहता है. ओके, दैट मीन्स वी कैन से दैट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी दिज आर द प्रॉपर्टी विच आर नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड विच आर अ नॉन एडिटिव. क्या है, विच आर नॉन एडिटिव. नॉन एडिटिव मतलब क्या, वो ऐड नहीं हो सकते है. ओके, सो वी कॉल देम एज अ नॉन एडिटिव, वो नॉन एडिटिव है. ओके, आ गया समझ में, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. खाली एक ध्यान में रखना है आपको, यस, इफ ई एक्स इज देयर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देन वी कैन से दैट इज डिपेंड ऑन मास, डिपेंड ऑन मास, यस, एंड इंटेंसिव इज देयर देन इज इनडिपेंडेंस ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहेगा. ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं एक मास के ऊपर डिपेंड है और एक इंडिपेंडेंस ऑफ मास है. इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दैट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मीन्स दिज आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन द मास. ओके, यस, तो आगे क्या दिया है देखते हैं. होमोजेनियस थर्मोडायनामिक सिस्टम, यस, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस आर टू आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम. सो वी कैन फाइंड आउट अ होमोजेनियस थर्मोडायनामिक सिस्टम इज अ कंपोजिशन एंड अ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम. यस, अ होमोजेनियस सिस्टम कैन बी एक्सेम्प्लीफाइड बाय इमेजिनिंग अ कॉलम ऑफ अ एटमोस्फेरिक एयर. ओके, होमोजेनियस दैट मीन्स सेम environment is there which is a mixture of a number of gases mainly nitrogen and oxygen in a system of this kind acted